माता कराधार यात्रा का मेला हुआ उसके बारे में अपनी जानकारी दें सर। सर सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रिया करूंगा कि जो आप लोग यहाँ पे मीडिया के लोग इतने दूर इतनी पहाड़ी पे आके और इस पूरे मेले को आपने कवरेज किया, आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और उसके साथ ही जितने भी भगत माँ मैया के जितने भी भगत यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इस यात्रा की शोभा बढ़ाई, मैं पूरी गलाधार ट्रस्ट की तरफ से उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी एक चीज मैं आपको फिर से दोबारा बताना चाहूंगा कि हमारी पिछली जो यात्राएं होती थी 27-28 को होती थी और जिसकी वजह से इस साल हमने जो यात्रा 18 को करवाई मौसम की वजह से हमें प्रॉब्लम आती थी और मेले में यात्रा में बारिश आती थी जिसकी वजह से हमने यात्रा को 10 दिन पीछे लाया और बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा हुई, शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा हुई। और यहाँ पे आज इस यात्रा में मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोने से श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंचे और बढ़ चढ़ के यात्रा में शिरकत किया उन्होंने। साथ में मैं आपके माध्यम से जहाँ भी ये आपके चैनल में न्यूज जाती है या जो भी लोग देखते हैं हाथ जोड़ के गलाधार ट्रस्ट की तरफ से दावत देना चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर गलाधार आए, माँ चामुंडा देवी के दर्शन पाए। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक लाइव दिखाया कि रमेश शर्मा जी हमारे पास यहाँ पे गलाधार पोस्ट पे एक SPO काम कर रहे थे, इन्होंने कमेटी के साथ भी अच्छा कॉपरेट किया और मैया की सेवा भी की और आज आर्मड पुलिस में परमानेंट जवान है यहाँ पे। तो मतलब जो आपका मैं ये कहूंगा कि अच्छे मन से श्रद्धा से जो इस मैया के दरबार में आके जो मांगेगा वो कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। तो इसके साथ ही सभी यात्रियों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन बढ़ चढ़ के उनका हमारे साथ सहयोग रहता है हर बार। जैसे कि मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि DDC रामबन जिन्होंने इस गलाधार यात्रा के लिए हमारी ट्रस्ट ने देखो भी मैंने खुद उनके पास रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें आप 10 कंबल दीजिए मगर उन्होंने बहुत बड़ा दिल करके बोला कि 10 नहीं आप 50 कंबल दे लीजिए। उन्होंने 50 कंबल हमें इस गलाधार ट्रस्ट के लिए दिए और जो कंबल कल रात को हमने यात्रियों को दिए और जो छोटे छोटे बच्चे आए थे वो आराम से यहाँ रह पाए। तो मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन पाए बढ़ चढ़ के गलाधार के लिए डोनेशन दें क्योंकि हमारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रही है, हम ज्यादा करके हमने फोकस ऑनलाइन पे दिया हुआ है, हम इस पे पर्ची सिस्टम या हैंड टू हैंड सिस्टम हमने बिल्कुल बंद किया हुआ है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करोगे उससे आपका डायरेक्ट जो अमाउंट होगा एक सोच है आप अगर मेरे पास 500 रुपए देते हैं मेरी खाने की नींद नहीं दी होगी उसको मगर रीचेंज हो सकते हैं कहीं मेरे जेब में पैसे नहीं हो तो वो चेंज करके मैं दे सकता हूँ। अकाउंट एक ऐसा माध्यम है कि डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसा मैया के अकाउंट में आएगा और आप कहीं भी किसी भी जेब के बैंक ब्रांच से स्टेटमेंट निकाल के चेक कर सकते हैं। गलाधार ट्रस्ट एनी टाइम हर वक्त कोई भी श्रद्धालु हमसे हिसाब मांगे हम 1-1 रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार है। इस ट्रस्ट में पिछले 2012 में मेरे को यहाँ पे चेयरमैन नियुक्त किया गया इस ट्रस्ट का, उसके बाद का जो भी हिसाब किताब है कोई भी श्रद्धालु मांगे तो हम खुल के देने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से मेरी यही दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगी सभी लोगों से जहाँ जहाँ हमारा मैसेज आता है इवन के पूरे हिंदुस्तान से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि बढ़ चढ़ के गलाधार आए और दर्शन पाए। साथ में मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले गलाधार जो ये यात्रा थी प्राचीन यात्रा है, हमारे बुजुर्ग लोग आते थे मगर उस समय यहाँ पे मतलब यात्रा आती थी और बकरी भेड़ों की बलि लगती थी कुछ उनका सिस्टम था। तो ये सबसे पहले जो वैष्णो यात्रा स्टार्ट की है सुरेश कुमार भाव कास्तीगढ़ से कांटोई से है, ये मेरे साथ खड़े हैं, हमारे इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं जिन्होंने इस यात्रा को स्टार्ट किया और